पाकिस्तान में इंसाफ मुहैया करने का तेज तरीन और जदीद तरीका ईजाद हो चुका है। अगर अपनी अरबों और खरबों की जायदादों की मनी ट्रेल ना दे सको तो कानून ही तब्दील कर दो। कुछ ऐसा ही किया इस इम्पोर्टर टोले ने हुकूमत में आने के बाद। पूरे 3 साल ये इम्पोर्टर टोला इमरान खान पर दबाव डालता रहा कि नैब का कानून बदलो ताकि उनको रिलीफ मिल सके। खान भी डटा रहा और कहा कुर्सी छोड़ दूंगा लेकिन NRO नहीं दूंगा। सारी पार्टियां मिल गईं और NRO देने वालों को भी अपने साथ मिला लिया। आखिरकार सब ने मिलकर खान को गिरा ही दिया। लेकिन खान भी बड़ा ही ज़िद्दी निकला, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाया और वापस अपनी आवाम में आ गया। अब ज़रा इस पूरी कहानी का पस मंज़र सुने। हुकूमत में आने से पहले इन दो पार्टियों पर जो केसेस थे वहाँ से शुरू करते हैं। वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला वाले इनकलाबी शेर असल में इश्तहारी निकले। करप्शन के बेताज बादशाह जिनको पाकिस्तान की अदालतों ने सिसिलियन माफिया का खिताब दिया, अल अजीज़िया केस में इनको सज़ा हुई, जेल में घर जैसा माहौल मिलने के बावजूद प्लेटलेट्स की ऊंच नीच की वजह से जमानत पर रिहा हुए और तब से अपने आबाई शहर लंदन में उन्हीं बेनामी अपार्टमेंट्स में अय्याशी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जिनकी मनी ट्रेल अभी तक नहीं दी, और तो और प्लेटलेट्स की भी कोई खैर खबर नहीं। दुनिया भर में इनको अपनी करप्शन की वजह से पजीराई मिली, पानामा पेपर्स हो कि पंडोरा, यहाँ तक कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों तक की फहरिस्त में इनका नाम है। और कौम के सवाल पूछने पर सिर्फ ये जवाब दिया कि अगर हमारे पास आमदन से ज़्यादा असासे हैं तो इससे आपको क्या। अब बात करते हैं छोटे मियाँ साहब की। बेगर्स कांट बी चूज़र्स से अपने सफ़र का आगाज़ किया और फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जहाँ भी गए यही कहा कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। इनके केसेस की फहरिस्त भी लंबी है। रमज़ान शुगर मिल्स केस, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, आशियाना हाउसिंग स्कीम केस, सानिया मॉडल टाउन केस और आमदन से जायद असासों में नैब में तहकीकात जारी हैं और ज़मानत पर रहा है। कमर दर्द का बहाना बनाकर हमेशा अदालत से गायब रहते हैं। मकसूद चपरासी से लेकर सारे गवाह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को प्यारे होते जा रहे हैं। इन पर नैब, FIA और यहाँ तक के बरतानिया की अदालतों में भी केस चल रहे हैं। और हाल ही में डेली मेल के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की जिसने इनके इस कारनामे की खबर शाया की कि जनाब ने इमदाद को भी नहीं छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह ये आजकल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। अब बात करते हैं इनके साहबजादे हमजा शहबाज की, जिन्होंने बच्चों को करप्शन के फवायद से रूशनास करवाया। 3 दफ़ा हल्फ लेने के बाद भी इनका वज़ीर आला पंजाब बनने का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। अपने वालिद की तरह इनके कारनामों की फहरिस्त भी लंबी है। हुकूमत में आने से पहले इन पर आमदन से जायद असासों और रमज़ान शुगर मिल्स के केस में तहकीकात जारी थी। नवाज शरीफ के बच्चे भी उनसे कम नहीं। मरियम नवाज़ जो कहती थी कि मेरी लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, इनको एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा हुई और वालिद की बीमारी की वजह से ज़मानत पर रिहा हो। आजकल उन्हीं अपार्टमेंट में शान से रह रही हैं जिनकी मनी ट्रेल अभी तक नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपार्टमेंट्स हमारे हैं कहने वाले हुसैन नवाज़, अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस में अदालत को मतलूब हैं और अदालत इन्हें इश्तहारी करार दे चुकी है। जबकि हसन नवाज़ जो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का शहरी ही नहीं हूँ, अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस में अदालत को मतलूब हैं और अदालत इन्हें भी इश्तहारी करार दे चुकी है। कमाल है, ये सब पाकिस्तान के शहरी नहीं लेकिन पाकिस्तान के ख़जाने को अपना ज़ाती ख़जाना समझते हैं। मियाँ साहब के दामाद कैप्टन सफ़दर को भी एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा हुई और आजकल ज़मानत पर रिहा है। और सलमान शहबाज़ जो दूसरों के हाथ काटने के मशवरे देते हैं, उनके अपने हाथ कोने कोने करप्शन में डूबे हुए हैं। किकबैक स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर सलमान शहबाज़ पर भी आमदन से जायद असासों का केस चला और जब से केस शुरू हुआ तब से बैरूनी मुल्क मुकीम थे और हाल ही में पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान वापस आए और मुल्क के वज़ीर आज़म ने इनका ऐसे इस्तकबाल किया जैसे कश्मीर फतह करके आए हों। ख्वाजा आसफ जो दूसरों को शर्म और हया सिखाते हैं और कहते हैं कि हम अमेरिका के वेंटिलेटर पर हैं, इन पर भी नंदीपुर मंसूबे में मुबैना करप्शन और अकामा रखने का इल्ज़ाम है। हुकूमत में आने से पहले इन पर भी नैब में तहकीकात जारी थी। ऐसे इकबाल जो कहते हैं कि बहुत से मुल्कों ने करप्शन के साथ भी तरक्की की और जिन्होंने मुल्क की मईशत को बचाने के लिए कौम को कम चाय पीने का मशवरा दिया, उनकी अपनी करप्शन की तहकीकात जारी है। नारोवाल में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स केस में मुबैना तौर पर 6 अरब की करप्शन का केस है और हुकूमत में आने से पहले इन पर भी नैब में तहकीकात जारी थी। इसहाक डॉलर जिनको पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ सरकारी जहाज़ में पाकिस्तान वापस लाया गया ताकि ये मुल्क की डूबती हुई कश्ती को भंवर से निकालें, जब से इनको पता चला है कि ख़जाना खाली है और कुछ लूटने को नहीं बचा तो आजकल दूसरों पर गोलाबारी करके गुजारा कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब जो कि मुल्क की साबिक और मौजूदा वज़ीर इत्तला'आत हैं, जिन्होंने पूरे 2,000 रुपये देकर कौम की मुश्किलात आसान करने की कोशिश की, इन पर भी पूरे 15 अरब रुपये के सरकारी इश्तहारात में माली बदउनवानी का इल्ज़ाम है और हुकूमत में आने से पहले इन पर भी नैब में तहकीकात जारी थी।
लोहे के चने ख्वाजा साद रफीक पर भी हुकूमत में आने से पहले पैरागॉन सिटी केस और आमदन से ज़ायद असासों में नैब में तहकीकात जारी थी। हुकूमत में आने से पहले खुरम दस्तगीर पर भी आमदन से ज़ायद असासे बनाने और बतौर वजीर तजारत शुगर मिलों को 5 अरब का फ़ायदा देने का इल्ज़ाम और मुल्की खजाने लूटने का इल्ज़ाम था, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी पर LNG केस में तहकीकात जारी थी। हनीफ अब्बासी को भी एफिड्रिन केस में उम्र कैद की सज़ा हुई, 9 माह बाद जमानत पर रिहा हुए और PDM के हुकूमत में आने के बाद इनको वज़ीर आज़म के मावन खसूसी बनने का शर्फ हासिल हुआ। जबकि परवेज़ रशीद पर 15 अरब रुपए के सरकारी इश्तहारात में माली बदअनवानी का इल्ज़ाम है और नैब में तहकीकात जारी थी। नून लीग के कम अज़ कम 28 वज़रा पर हुकूमत में आने से पहले नैब में करप्शन और बदअनवानी की तहकीकात चल रही थी। अब बात करते हैं पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी, जो कि मिस्टर 10% के नाम से भी मशहूर हैं। इन पर करप्शन के केसेस की फहरिस्त लंबी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस, जाली अकाउंट्स केस, ट्रैक्टर रेफरेंस, SGS रेफरेंस, कनेक्टर रेफरेंस, पोलो ग्राउंड रेफरेंस, ARY गोल्ड रेफरेंस समेत दीगर केसेस शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी भी हिफाजती जमानत हासिल कर चुके हैं। इनकी वजह शोहरत भी करप्शन है, इसीलिए माइकल बर्ले ने कहा था कि कैमरॉन को जरदारी से हाथ मिलाने के बाद अपनी उंगलियाँ गिन लेनी चाहिए। जब बारिश आता है तो पानी आता है और कांपे टांग रही हैं ऐसे शोहरत हासिल करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी, जो आजकल दफ्तर खारजा में इंटर्नशिप कर रहे हैं। इन पर भी आमदन से जायद असासों और जाली अकाउंट्स केस में नैब में तहकीकात चल रही थी। जबकि फरियाल तालपुर, जो कि आसिफ अली जरदारी की हमशीरा हैं, इन पर भी जाली अकाउंट केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब में तहकीकात जारी थी। मुराद अली शाह, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी के पर्सनल फोटोग्राफर होने के साथ साथ वजीर आला सिंध भी रह चुके हैं, बतौर वजीर खजाना सिंध इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की वजह से मुतअद्दिद बार नैब में पेश हो चुके हैं और हुकूमत में आने से पहले इन पर तहकीकात जारी थी। राजा परवेज़ अशरफ, जो कि राजा रेंटल के नाम से भी मशहूर हैं, रेंटल पावर केस में मुतअद्दिद बार नैब में पेश हो चुके हैं और हुकूमत में आने से पहले इन पर तहकीकात जारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आजकल पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर हैं। जबकि शर्जील मेमन, बतौर वजीर इतलात सिंध इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की वजह से इन पर भी नैब में तहकीकात जारी थी। यूसुफ रजा गिलानी पर इश्तहारी मुहिम केस में गैर कानूनी ठेके देने की वजह से नैब में तहकीकात चल रही थी। जबकि आगा सराज दुरानी आमदन से ज्यादा असासों के केस में नैब के जेर हिरासत थे। पीपल्स पार्टी के कम अज़ कम 14 वज़रा पर हुकूमत में आने से पहले नैब में करप्शन और बदअनवानी की तहकीकात चल रही थी। हुकूमत में आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये सब के सब सुरखुर हो गए? सादिक और अमीन डिक्लेयर होने का ये नया तरीका कहलाता है नैब तरमीम 2022। नैब तरमीमी बिल जुलाई 2022 में कौमी असेंबली में पेश हुआ और मंजूर हो गया। इन नैब तरमीम के मुताबिक 50 करोड़ से कम मालियत की करप्शन और बदअनवानी को जुर्म नहीं समझा जाएगा और ना ही इसकी तहकीकात हो सकेंगी। इन तरमीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ करप्ट इलीट को तहफ़ देना था। इन नैब तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग को 50 से ज्यादा करप्शन केसेस में बड़ा रिलीफ मिल गया। ये तरामीम इस इम्पोर्टेड टोले ने इमरान खान को भी तजवीज़ की थी, जब इमरान खान की हुकूमत ने इनको फैटफ में साथ देने का कहा, लेकिन इन सब ने इमरान खान को ब्लैकमेल किया कि बेशक मुल्क ब्लैकलिस्ट हो जाए, जब तक ये तरामीम नहीं होंगी वो साथ नहीं देंगे। इमरान खान ने इनकार किया क्योंकि इन तरामीम का मतलब है बड़े चोर को चोरी करने की इजाज़त दे दी जाए और कोई पूछने वाला ना हो। ये तरामीम करप्शन के खिलाफ अक्वामे मुत्तहिदा की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की शिकों के भी मुनाफी हैं। इन नैब तरामीम के बाद मनी लॉन्ड्रिंग और ज़राए से ज़ायद असासों के तमाम मुलजमान को तहफ़ मिल गया। सेक्शन 14 में तब्दीली से मुलजम के असासों की मनी ट्रेल देने की जिम्मेदारी ख़त्म कर दी गई, यानी नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। सेक्शन 5E में तब्दीलियों से बेनामीदार की तारीफ बदल दी गई, यानी करप्ट अफराद अब अपने बीवी बच्चों और करीबी रिश्तेदारों के नाम पर जायदादें बना सकते हैं। जबकि सेक्शन 5U में तब्दीली से सरकारी ओहदेदारों के साथ मिलकर करप्शन करने वाले आम शहरियों का नाम मुकदमात से खारिज कर दिया गया, यानी मकसूद चपड़ासी जैसे करप्ट लोगों के फ्रंट मैनों और एजेंट्स को तहफ़ मिला और उनकी हौसला अफजाई हुई। सेक्शन 23 में तब्दीली से चेयरमैन किसी भी जगह को पुलिस स्टेशन या जेल डिक्लेयर नहीं कर सकता, यानी गवाहों की हिफाजत ख़त्म कर दी गई। इस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम करके एहतसाब का अमल ही ख़त्म कर दिया। तरमीम के बाद नैब के हाथ बंधे हुए हैं और अब ये वफाकी हुकूमत के मातहत आ गया है, यानी जिन चोरों का एहतसाब करना है वही अब इसकी सरबराही करेंगे। रिजीम चेंज ऑपरेशन अवाम को रिलीफ देने के लिए नहीं बल्कि चोरों को NRO देने के लिए किया गया था। अब कोई भी वाइट कॉलर क्राइम के लिए जवाबदेह नहीं होगा। नैब के जेर तफ्तीश 1200 अरब रुपये में से 1100 अरब रुपये अब नैब के दायरे इख्तियार से ही बाहर होंगे। तारीख उन तमाम लोगों को ना भूलेगी और ना ही माफ़ करेगी जो पाकिस्तान के खिलाफ इस साजिश का हिस्सा बने और जिन्होंने इन चोरों को हमारे मुल्क पर मुसल्लम किया।